टीवी में मैं हूँ आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के जी हाँ बताइए, कल क्या घटना घटी है आपके साथ? कल लमसम 10-11-12 बजे लमसम हम अपने दरवाजे पे खाट बिछा कर सोए हुए थे खटिया, और एक बड़ा भाई के बच्चा था छोटा वाला साथ में सोया हुआ था। उधर से बिमलेश कुमार SI राय आया दल बल के साथ, आया निमचक बथानी थाना से, जीप कमांडर एगो से आया था, उसी दल बल के साथ आया SI बिमलेश कुमार, आया टेंडम लात से मार कर करके, नींद गहरा नींद में सोए हुए थे। अचानक बोला कि कौन है? हम बोले हम विपिन कुमार हैं। बोला नहीं, पिंकू कुमार है। उसी दरमियान में उठा करके खींच करके हमारे गाड़ी में, जो कुमार कौन है? विपिन कुमार मैं, पिंकू कुमार मेरा भाई है चलने वाले। वो बोल रहा है, बार बार बोल रहा है कि आप पिंकू कुमार हैं। हम बोल रहे हैं कि मैं विपिन कुमार हैं। पिंकू कुमार को क्यों वहाँ पर खोजा जा रहा? पिंकू कुमार के खोजा जा रहा था कि उसके ऊपर कोई मुकदमा था, लेकिन हमारे नज़र में कुछ नहीं था कि मेरा भाई है, लेकिन एक भी मुकदमा नहीं है। लेकिन तो बोले SI बिमलेश कुमार को कि मेरे पेशाब लगा हुआ है, ठेठ हिंदी में देहाती भाषा जिसको बोलते हैं, पेशाब तक नहीं करने दिया, एकदम जुलुम कर दिया। डायरेक्ट है जो कॉलर पकड़ करके खींच कर करके लेके चला जा रहा था। 12 बजे हमरे खाट पर से उठा करके लेके चला गया, एक लात आया मार दिया। कितने बजे तक रखी थाने में? लेकर के चला गया आपको 12:30-1 बजे। जैसी हाजत में घुसाया वैसी अकेले में जा करके बोले कि 10,000 रुपया लाने का काम करो, आधार काम देने का काम करो, पुनः छूट जाएगा। हम कि हमारे यहाँ एक भी रुपया नहीं है, कैसे कहाँ से ला करके देंगे? वो बोले कम से कम कुछ भी ला करके दो। 10,000 कौन मांगा था उसे? SI बिमलेश कुमार। किस चीज का? छोड़ने का। अब आधार कार्ड लाइए, चारों भाई का आधार कार्ड। आप बार बार पूछ रहे हैं, बार बार केस है। हम केस किस मैटर का है? मतलब हत्या का है, बलात्कार का है, गुंडेबाजी का है, गर्देबाजी का क्या का है? लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ बोले कि आप पर मुकदमा है, लेकिन अभी तक बताया नहीं। ले जाकर के हाजत में बंद करने का काम किया, और पुनः उसमें न लाइट रहा था और न पानी पीने का, पानी पीने बगैर तड़प रहा था आदमी। वही गर्मी में रातों भर रहा। सुबह है जो 8 बजे लमसम हम बोले कि हमारा तबियत आखिरी तबियत खराब हो रहा है और हम हार्ट पेशेंट हैं, जब हमने मान ली कि मूड़ी हिला करके गिर जाएंगे। हमको तो सचमुच लग रहा है कि पैसे के चक्कर में है जो सबको पकड़ पकड़ के ले जाने का काम करते हैं, कि हमारा पेट ऊंचा हो जाए, सरकार से भी ऊंचा हो जाए। SI बने हैं बैच लगा करके, सरकार से भी ऊंचा हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विपिन कुमार। गांव? ग्राम बंडी, पोस्ट बंडी मनियारा, थाना निमचक बथानी, जिला गया। क्या कल घटना घटी आपके भाई के साथ? मेरा भाई के साथ घटना घटा कि 12 बजे मोटा मोटी सोए हुए थे हम। मेरा भाई जो है मकान से उत्तर साइड में गलियारा है, उसी गलियारे में खटिया पर सोया हुए था, और तकरीबन 12:30-1 बजे बिमलेश कुमार राय थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ आए। किस थाने से? निमचक बथानी थाने से। और हम लोग को किसी प्रकार के सूचना नहीं था, मुकदमा केस या कोई लंद फंद चीज का, और डायरेक्ट आए बिना सूचना के। मेरे भाई को जो है रात में खटिया पर सोए हुए था, एक मेरा बड़े भाई का छोटा बच्चा था अपने भतीजे के साथ, और डॉक्टर बिमलेश जी जो थाना प्रभारी हैं वो अपने पैर से जो है खटिया पर जो है लात से मारे, उसके बाद जगाए, पूछे कि आपका क्या नाम है, तो इन्होंने कहा विपिन कुमार, तो चलिए आप पर मुकदमा है, वही पकड़ के जो है। हालांकि मेरा भाई जो है गंजी पहरे हुए था, गमछी पहरे हुए था, बोला कि जो है ठीक है हम हमारे ऊपर मुकदमा है तो थोड़ा सा कपड़ा उपड़ा पहनने दीजिए, ले चलिए। तो ज़रा भी समय नहीं दिया, लघुशंका लगा हुआ था, लघुशंका भी करने नहीं दिया, गाड़ी में बैठाया। लोग भी कह रहा है कि विपिन को आप खोज रहे हैं किनको, तो पिंकू कुमार के, तो बोले पिंकू कुमार नहीं है, विपिन कुमार है। फिर भी जो है एक चौकीदार दिनेश कुमार मुरब्बी चक्के इसी पंचायत का है, वो भी कहा कि नहीं सर, ये पिंकू कुमार नहीं है, विपिन कुमार है।
फिर भी जो है अपने मनमानी ढंग से जो है गाड़ी में बैठा के कॉलर पकड़ के ले गया, और वहाँ भी पेशाब करने तक अजुर्दा कर दिया, चारों तरफ से खड़ा हुआ। उसके बाद ये लड़का पेशाब किया, उसके बाद ले जाके हाजत में बंद कर दिया। उसके बाद जो है पहले ही जो है सूचना दे दिया गया कि जो है आधार कार्ड लेके आइए थाना। लोग हमारे टोला पड़ोस के चचेरे भाई भतीजा सब लोग थे, बोल रुकिए सर आधार कार्ड दिया जा रहा है, तो बोल नहीं नहीं रुकेंगे, और जो है चला गया। वहाँ मैं और एक लड़का और दो मोटरसाइकिल से गए आधार कार्ड लेके, वहाँ पे कहे इसकी नहीं आधार कार्ड देखा, उसके बाद कहे इसकी नहीं सवेरे आइए हमके मिलने दीजिए। हाजत में ले जाके बंद किए हुए था, ये मिलना चाह रहा था लड़का, चाल दे रहा था, लेकिन मिलने नहीं दिया गया, और बोला कि सुबह आइए। जब हम सुबह उठ के गए तो ढंग से उन लोग बात नहीं किए, और उस समय तक हाजत में जो है बंद किए हुए था। हम बोले कि जुर्म क्या है, और बहुत तरह के बात बोले, तो जो है हाजत से जो है वो निकाले। हम भी बोले कि सर ये सब मनमानी नहीं चलेगी। हैं किस प्रभारी से थाने में आपकी बात हो रही थी उस वक्त? उस समय विमलेश कुमार जी से बात हो रही थी, सब इंस्पेक्टर जो है, सब इंस्पेक्टर जो थे। अच्छा। और वो मोटा मोटी जो है चारों भाई के आधार कार्ड खोजे, उस समय आधार कार्ड जो है हमारे पास नहीं था, रात में मोबाइल में कैद कर लिए थे वही आधार कार्ड। सुबह कपड़ा पहन के जो है आधार कार्ड छूट गई, वही मोबाइल में था, वही दे रहे थे हम कि जो मेरा आधार कार्ड सही है वही मेरा मोबाइल में खींचा हुआ है। फिर भी वो बार बार कह रहे थे कि नहीं लेके आइए आप आधार कार्ड घर से। हम कि सर इसका भी फोटो कॉपी हो जाता है, हम बाज़ार से लाते हैं। बाज़ार गए, बाज़ार सुबह में बंद थी, नहीं हो पाया। उसके बाद फिर लौट के आए, हम कि सर इसमें आधार कार्ड की कौन ज़रूरत है, तो बोल नहीं आधार कार्ड आपको लगेगा। उसके बाद जो है सरपंच को बुलाया, सरपंच जो है अपना पहचान बनाया, फिर भी कहे इसकी नहीं आपको सिग्नेचर करना मतलब पड़ेगा। थाना प्रभारी मनमानी कर रहा था। हाँ, इस तरह का किसी का बात नहीं सुनना, सिर्फ अपने बात अपनी बात को जो है करना, ये सब मनमानी। आरोप ये भी लगा है कि उन्होंने पैसा का माल किया। हाँ, मेरे भाई से कहा कि बिना पैसे का जो है 10,000 रुपया मंगवाइए, तो ये बोला कि अरे भाई 10,000 पैसा कहाँ से आएगा रात में, तो कुछ कम भी मंगाए, लेकिन रात में हम